जय बोले के सारे भाइयों को, मैं आपका भाई सचिन गौर। और भाई आप लोगों को एक बढ़िया फैमिली कार चाहिए ना, सस्ते में चलने वाली, और चाहते हो कि एक 7 सीटर मेरे को गाड़ी मिल जाए, तो वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली है। वो सिर्फ मिलेगी तो वो मिलेगी आपको सिर्फ मारुति के पास। वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये है अपनी अर्टिका CNG। CNG के अंदर भाई आपको सिर्फ दो ही वेरियंट मिलते हैं, इसके VXI और ZXI। इसी की दूसरी आप नेक्सा के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी XL6, लेकिन वो 6 सीटर मिलेगी, वो आपको सिर्फ जेटा मॉडल के साथ ही CNG मिलने वाली है। तो ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं एक वैल्यू फॉर मनी, कम से कम बजट के अंदर अगर आप चाहते हो कोई गाड़ी जो हमारे को मिल जाए और बढ़िया एवरेज मिल जाए, बढ़िया कम्फर्ट मिल जाए, और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये आपकी एक मिनी इनोवा है, तो हम आज इनके ओनर से बात कराएंगे। 2021 का ये मॉडल है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, 21/1/2021। तो लगभग इस गाड़ी को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो देखना चाहेंगे और ओनर से पूछना चाहेंगे कि भाई कैसा इसका बुढ़ापा रहा, 3 साल इस गाड़ी को हो चुके, CNG वाली गाड़ी को, कैसी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है, क्या मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें हमारे को इनके ओनर बताने वाले हैं। क्या हाल है दीपांशु भाई? राम राम भाई, मेरा नाम दीपांशु है, मैं यहीं रोहिणी में रहता हूँ। तो भैया पहले तो ये बुढ़ापा ना आया इसका, 3 साल की जवान छोरी है ये पूरी। अच्छा भाई, तो भाई फुल खुश हो जिस तरीके से आप बताने आए हो। परफेक्ट गाड़ी है, मैं बहुत हैप्पी उस गाड़ी को लेकर के, मतलब इससे अच्छी वैल्यू फॉर मनी फैमिली कार नहीं है, पूरे मार्केट में ढूंढने फिरोगे ना तब भी ना मिलेगी ये गाड़ी। इतने खुश हो? इतने खुश। अच्छा तो भाई पहले तो आप ये बताओ कि आपने ये 21/1/2021 को ये गाड़ी ली थी, तो यही गाड़ी क्यों ली? ये गाड़ी मैंने मार्केट में बहुत सर्च किया, कि कोई एक नई गाड़ी मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए फैमिली के लिए, 7 सीटर फैमिली है 6 लोगों की, आने वाले टाइम में शादी भी होने वाली, तो एक बंदे और होने वाले, 7-7 सीटर चाहिए, क्योंकि सारे एक साथ जा सके, 2 गाड़ी ले जाने का नाम होने, कभी बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, पता लगा 2 गाड़ी, 4 उधर बैठे 4 इधर बैठे, कोई मजा ही नहीं। एक साथ फैमिली जाती है तो पूरे मजे आते हैं, पूरा मजा आता है। इसलिए 7 सीटर गाड़ी देख रहा था, ये गाड़ी इसलिए देखी क्योंकि इस मेरे बजट के अंदर इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं थी। अच्छा, और दूसरा आपको CNG वाली ही चाहिए थी या फिर? CNG में इसलिए है कि CNG से आपका खर्चा बहुत बच जाता है, बहुत खर्चा बचता है, डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में CNG हाफ पे है, हाफ से भी कम पे है। और अब जो मारुति की नई जो SCNG टेक्नोलॉजी आई है, उसमें तो आपको पता ही लगता है कि आप पेट्रोल पे चला रहे हो कि CNG पे चला रहे हो। अच्छा। पहले होता था कि जब CNG गाड़ियों में पिकअप की दिक्कत आती थी, 7 लोग बैठ जाते, चलती नहीं थी, वो वाला सिस्टम खत्म है, वो वाला नई टेक्नोलॉजी है इसमें, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब CNG चल रही है कब पेट्रोल चल रही है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, अपने आप CNG में कन्वर्ट हो जाती है, और बाय द वे आपकी CNG खत्म हो गई, आपको पता ही लगेगा कब वो पेट्रोल में आ गई, और पेट्रोल में फुल सेम पिकअप सेम चीज सब कुछ। अच्छा, मतलब कोई फर्क नहीं नजर आता आपको? बिल्कुल फर्क नहीं। CNG खत्म होते होते हमें पता भी पता लगता है कि पेट्रोल पे आ गई, तो इंडिकेटर देखना पड़ता है भाई पेट्रोल पे आ गई है, तो अच्छा जी नहीं लगता कि कब ये पेट्रोल पे चलने लग गया। तो इतनी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है, फुल पिकअप। कितने की आपको ये पड़ी थी उस टाइम पे? क्योंकि देखो आज की डेट में बहुत मारा मारी हो रखी है इस गाड़ी के पीछे। आज की डेट में मैंने ना अभी रिसेंटली मेरे किसी यार दोस्त ने पता कराया, जानकारी थी उसमें, मेरा कोई है दोस्त उसमें डीलर में, तो उसने बोला भैया 6-7 महीने की वेटिंग पीरियड है। साल साल का भी ये वेटिंग पीरियड है, मिनिमम 6 महीने बोलते हैं, 6 महीने साल, तो मतलब आपके स्पेशल वेरियंट कोई मांगते हैं कलर तो साल भर भी लग जाता है, 6 महीने तो कहीं भी नहीं गए। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तब ये मेरे को पड़ी थी 10.5 की VXI, मतलब आज तो करीब करीब 12 लाख रुपए का आपका VXI मॉडल हो रखा है, 12-12.5 लाख के अंदर, और उसमें भी आपको प्रीमियम देना पड़ता है तब जाके आपको गाड़ी मिलती है। अभी भी इस गाड़ी का कोई कंपैरिजन नहीं, आप टोयोटा को देख लो, टोयोटा ने रोमियोन करके गाड़ी निकाली है इन्होंने, पता नहीं मेरे को भी ध्यान नहीं है, पर टोयोटा ने सेम यही गाड़ी अपने ब्रांड नेम से, आपके यहाँ पे उसमें वो टोयोटा का लोगो आ जाएगा, पर अंदर देखोगे तो उसमें मारुति लिखा है। हाँ, हर जगह मारुति हो तो बाकी सारी चीज सब जगह अंदर के डैशबोर्ड निकाल उठाओगे ना, सिर्फ मारुति वालों ने टोयोटा वालों की एक ही गाड़ी यूज करी है इनोवा, उसको इनविक्टो के नाम से बेचते हैं, बाकी टोटली गाड़ी मारुति वालों की ही बिकती है टोयोटा के अंदर। और ऐसी थोड़ी भाई, मतलब अगर दिन की 100 गाड़ियां बिक रही है तो 100 में से 50 गाड़ी मारुति की ही होती हैं। कितना ही कोई इसको बदनाम कर लो, कितना भी बदनाम कर लो, पर 50% सेल तो मारुति लेके जाती है, मारुति ही लेके जाती है। अभी हम 3-4 दिन डाटा पढ़ रहे थे पूरे साल का, तो सेकंड फर्स्ट नंबर पे 1,64,000 गाड़ी बेची है, 1,64,00,000 गाड़ी बेची है मारुति ने मारुति पूरे साल में,
और वहीं उसके सेकंड नंबर पे हुंडई थी, उसने सिर्फ गिन करके 40-50 लाख गाड़ी बेची है। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत गैप है, बहुत बड़ा गैप। मैं कहता हूँ 50% में ही अकेली आती है, बाकी 50 में बाकी सारी कंपनियां खपत हो जाती है। एक्सेल 6 क्यों नहीं लिया आपने? एक्सेल 6 इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सबसे उसमें दिक्कत है, वो 6 सीटर है। मेन दिक्कत उसमें ये, वो 6 सीटर है और वो नेक्सा की है। ये मारुति की आर्टिका की रीसेल वैल्यू अच्छी है, नेक्सा की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम है। अच्छा, वैसे तो इसके थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट ही आते हैं नेक्सा के अंदर। प्रीमियम प्रोडक्ट है, 6 सीटर है और 6 सीटर में क्या ना बीच में केबिन सीट आती है। तो कभी कभी जब आपको थोड़े से फैमिली के साथ जाना है और कभी एक आधा मेंबर एक्स्ट्रा बिठाना है तो वो बैठा नहीं सकते। साथ की सीटिंग कैपेसिटी इसमें 8 भी बड़े आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच्चाई गई। अगर इसमें 7 की कैपेसिटी है तो भी आप एडजस्ट करके 8 बैठ सकते हो, लेकिन उसमें कैप्टन सीट मिलती है, उसमें आप अकेला ही बैठना है। दो आगे, दो पीछे, दो से बैठ नहीं सकते तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। बीच में तो यहाँ बीच वाली सीट पे अगर कोई पतला पतला आ जाता तो 4 बड़े आराम से बैठ जाओगे। उसके अंदर वो चीज नहीं है, उसके अंदर वो चीज नहीं है। ये भाई बहुत प्लस पॉइंट है इसका कि आपको इसके अंदर 7 सीटर बोलते हैं तो 8 आदमी भी आप एडजस्ट करके बैठ सकते हो, उसके अंदर वो चीज नहीं मिलेगी। कितनी आपने चला दी भैया? 34,000 कुछ चल रही है। 34,000। सबसे मेन क्वेश्चन जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सीएनजी के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की? कोई अंडर पावर लगना? दूसरी बात, हाईवे पे चला लिया, एक्सप्रेसवे पे भी चला लिया, बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस पे भी चला लिया, 140 मिनिमम चीज चलती है, 160-180 भी भगाई है उसको, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भाग जाती है 170-180 भी? अच्छा जी, बड़े आराम से, बस हाँ कोई भगाना ना चाहे क्योंकि भाई सेफ्टी का आजकल बड़ा दिक्कत है। चलाना जो अच्छा ड्राइवर है चला रहा है तो बड़े आराम से 160-170 भागती है और बिना कंपन के, पता भी नहीं लगता, शीशे बंद है तो पता भी लगेगा आपको 160 तक पहुंच भी गई है। अच्छा, सबसे एक और फीचर और है, 80 के पास जाती तो पीप बजती है गाड़ी। अच्छा, 100 पे जाती पीप बजेगी गाड़ी, 110 पे जाएगी पीप बजेगी गाड़ी, 120 से ऊपर जाती पीप 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 पीप, ये कंटिन्यू बजती रहती है कि भैया तुम अपनी लिमिट में आ जाओ। है वालों को पता लग जाए भाई ये लिमिट से ऊपर चला रहा है, कोई सो रहा है तो उठ जाए कि हाँ भैया अपनी लिमिट में आ जाए तो कहाँ भगा रहा है। जब पापा नहीं होते तभी हम 180-140 भगा पा गए थे, 120 से ऊपर नहीं रहे, सबको पता लग जाता है गाड़ी में 120 भाग रही है गाड़ी। सीएनजी भी इसकी जो फिटिंग है ना, तो लोगों को बड़ी दिक्कत है कि सीएनजी में बूट स्पेस, बूट स्पेस खत्म हो जाता है। आप इतना बूट स्पेस देखो, इतना यहाँ पे बड़े आराम से आप दो छोटे कैबिन वाले सूटकेस बड़े आराम से आराम से 7 किलो वाले जो एयरपोर्ट पे लगते हैं कैबिन वाले, वो वाले सूटकेस बड़े आराम से दो और एक बैग साथ में आ जाता है। एक आध दिन के लिए जा रहा है 7 लोग तो 2 लगेज बहुत होते हैं, वन नाइट स्टे के लिए बहुत है। इसका कवर भी वहाँ से बिल्कुल कवर होके आती है सीएनजी। इसके अंदर आपकी 8 किलो गैस आ जाती है। अच्छा, 8 किलो का सिलेंडर है। सच सच बताना, 8 किलो कंपनी वाले बोलते हैं, 8 किलो कभी आज तक इसके अंदर गैस आई है? 8 से भी ऊपर चली जाती है। अच्छा, चली जाती है 8.2-8.3 तक सर्दी में चली जाती है। और गर्मी में ये 7-7.5 से ऊपर नहीं जाती क्योंकि गर्मी में गैस कम आती है, सर्दी में गैस ज्यादा आती है। हाँ, ये तो फर्क तो रहता है थोड़ा बहुत उस चीज का। वो कहते हैं 8 किलो 12 किलो का सिलेंडर होता है, मोटा मोटी 8 तक जाती है, 8 तक चली जाती है। और जैसे दिल्ली वगैरह में, यहाँ पर दिल्ली में प्रेशर अच्छा होता है ना, तो दिल्ली में 8 से ऊपर चली जाती है, पर बाहर जाओगे तो बहुत प्रेशर डाउन होता है तो 8 भी बहुत मुश्किल से आती है। सीएनजी वाली गाड़ी लिए तो इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं, आपको ये माइलेज कितनी निकाल के दे देती है? एक सिलेंडर में एक आइडिया ले लेते हैं कितनी आ जाती है इसके अंदर, जैसे आप 7.5-8 किलो गैस बोल रहे हो आप। मैं फुल जब हम हाईवे पे जाते हैं एक्सप्रेस वगैरह पे हम फुल कराते हैं तो 200 किलोमीटर बड़े आराम से, 190-200 किलोमीटर बड़े आराम से ले लेते हैं। और लोकल में? लोकल में थोड़ी सी डाउन है यार, दिल्ली का ट्रैफिक इतना खराब रहता है आपको पता ही है, इतने जाम है कहाँ तक एवरेज कहीं निकलती है। फिर भी ये गाड़ी एसी के साथ आपको 22-23 मतलब वही दिल्ली के अंदर 160 किलोमीटर ये लगभग चल जाती है ना, 160 किलोमीटर तक आ जाती है लोकल में, चल जाती है। हाईवे पे 200 पर मैंने टच किया एक बार। यार बहुत सुख है, सही बता रहा हूँ, अगर आप पेट्रोल और डीजल चलाओगे और उसके बाद जो कोई सीएनजी चलाएगा, जो बंदा 5,000 में आना जाना करेगा लगभग 2,000 में आना जाना वो कर देंगे, है ना। तो ये तो मतलब महीने में अगर आपने फाइनेंस कराई है तो किस्तों के पैसे तो आपकी सीएनजी में निकाल देगी, है ना। हाँ, टूर वो पे जो भी जाते हैं ना के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी, मिनी इनोवा कहते हैं इसको। मिनी इनोवा कहते हैं लोग, कहते हैं कि भाई मिनी इनोवा है, और भाई इनोवा के अंदर खर्चा फिर भी है तेल पानी का, लेकिन इसके अंदर वो चीज भी नहीं है। नहीं,
बिल्कुल भी सर्विस में भी कोई नहीं है। सर्विस कितने की हो जाती है सर्विस की बात? 5-6 हज़ार रुपये में। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है आपका मारुति के साथ? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, आपने अभी ये सारी चीज़ तो तारीफ़ कर दी इसकी, अब तक फिर सारे लोग भाई बोलेंगे कि भैया ये तो तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। अब इसके कुछ नेगेटिव जानते हैं हम, इसके अंदर कुछ आपको नेगेटिव भी तो लगा होगा। एक कमी है, बस छठा गियर मिस करती है गाड़ी, है ना। 120 130 40 के बाद चलती तो गाड़ी बढ़िया है, पर वो एक मांगती है, एक होता ना पावर चाहिए हल्की सी, और एक छठा गियर अगर इसमें होता ना तो ये गाड़ी और भी बढ़िया। और उसमें पता है इसकी एवरेज भी बढ़ जाती है। हाँ, वो ना हल्की सी जो खींच के चलती है ना गाड़ी, वो आवाज जो झूं 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 करती है, बिल्कुल एक बार में भूं करके वाली, वो इजी हो जाती है और इंजन पे उतना जोर नहीं पड़ता। सही कह रहे हो, छठा गियर इस गाड़ी, ये तो मेरे को भी, मेरे पास जैसे अब विटारा है तो मेरे को उसके अंदर ये चीज़ की कमी लगती ही लगती है कि अगर उसमें छठा गियर होता, उसमें भी छठा गियर नहीं दिया। इनका मैनुअल ट्रांसमिशन तो है ही 5 गियर का, जो ऑटोमेटिक आता है उसके अंदर 6 स्पीड, अब ये इन्होंने कर दिया है चेंज। हाँ, लेकिन फिर ऑटोमेटिक लोगे तो आपको CNG नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए, जो भाई मैनुअल ले रहे हैं और अपना CNG वाली गाड़ी ले रहे हैं, उनको भी 6 गियर का सुख तो दो। CNG ले रहे हैं मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा भी फूक रहे हैं गाड़ी के ऊपर, अब एक्स्ट्रा पैसा फूक रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चाहिए ना चीज़ें। चलो आओ अंदर बैठते हैं, अंदर आप बताओ मेरे को इसके अंदर और क्या चीज़ें आपको लगती हैं जो थोड़ी सी मारुति वालों को सुधारनी चाहिए। ये जैसे आपने ये लगवाया, ये आपने आपको लगता नहीं आपने गलत लगवाया? भाई 3 साल पहले यही चलता था, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो मैग्नेट वाला आपने जैसे बताया, मैग्नेट वाला आ गया। हाँ। पहले तो यही चलता था, हमने जब लिया था तब ये स्वास्थ्य वालों का था, ये तैसे कवर हो जाता है। अच्छा एक चीज इससे बताऊं, ये तो ये खड़खड़ खड़खड़ करती है। हाँ, एक तो ये शीशे पे लगता है, ये आवाज करता है। अब यहाँ पर जैसे छेद हो गए, अब ये जब भी आप हटाओगे तो इसके अंदर छेद दिखेंगे। दूसरी बात, ये इसको आप यहाँ पर लगाते हो तो यहाँ से ना रबड़ कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप तो बोल रहे हैं, आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वैसे वैसे ना होता है। हाँ, तो लोग ये लगवाते नहीं है, अब तो आ गया वो मेगा से मैग्नेट वाला गियर वाला सबसे बढ़िया। और क्या लगा? 5th गियर क्या हो गया? एक तो आपका 5th गियर हो गया, एक थोड़ा सा अगर मारुति चाहे तो उसको प्रीमियम प्रोडक्ट में सीटिंग जो है अपसाइड वाली जो होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो भी कर सकती है। इसमें हाइट एडजस्ट तो दे रखा होगा? हाइट एडजस्टमेंट तो बस ये वाला दे रखा है, और हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। उठाने के लिए नहीं दिया होगा इसके अंदर? इसमें ये एक गड़बड़ है। एक इसके अंदर ये वाली भी दिक्कत है। हाइट एडजस्टमेंट अगर दे देना तो गाड़ी चलाने के लिए लोग जिसके जो शॉर्ट हाइट वाले, हाँ वो थोड़ा सा आप ऊपर नहीं, थोड़ा सा उनको हल्का सा नाव डाउन पड़ता है, उनको वाइल मिल जाए तो प्रॉपर गाड़ी चला पाएंगे। एक कमांडिंग पोजीशन अच्छी है, कमांडिंग पोजीशन, क्योंकि आप अगर 12 लाख की गाड़ी दे रहे हो तो थोड़ी चीजें आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। मारुति फैसिलिटी देने में बड़ी कंजूसी करती है भाई। ये तो है, इसकी चाबी दिखाना आप, ये देखो आज भी वही ओल्ड स्कूल भाई, बुढ़ापा जवानी सब निकल गई लोगों की, लेकिन ये चाबियां नहीं चेंज हुई। मेरे मामा के पास सियाज थी, उनको 12 साल हो गए गाड़ी चलाते, वो उनके पास भी यही चाबी है, मुझे 3 साल हो गए मेरे पास भी यही चाबी है। ये बहुत बेकार है, कोई चेंज नहीं है इस चीज में, तो बहुत बेकार है। मारुति वाले ना, मतलब मारुति किसी टाइम पे आई थी 800, है ना, मारुति 800, तो वो पहले खूब चली, लेकिन उसका फ्लोप होने का कारण सिर्फ यही था कि मारुति वाले चेंजेस नहीं लाते, अपग्रेड नहीं करते हैं ये लोग, अपने आप को अपग्रेड पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता। इसी वजह से वो उस टाइम वो फ्लोप हो गई थी बाद में आने के बाद, फीचर्स देने को तैयारी नहीं है। अच्छा इसका एसी कैसा है? एसी बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। पीछे वालों के लिए भी मजेदार है ना, अब यहाँ से इंटेक करता है, यहाँ से ही बाहर निकाल देता है पीछे की तरफ। ये तो सिर्फ नॉर्मल इंटेक के लिए है, इसका ब्लोअर यहाँ से जा रहा है पूरा। ये पूरा यहाँ से हवा खींच के पीछे फेंकता है ना, ना ना ना। अच्छा इसका ब्लोअर अलग है, ये ब्लोअर जैसे यहाँ 4 ब्लोअर है, ब्लोअर अलग है, ये देख रहे हो ना ये बना हुआ है। हाँ, इसके यहाँ से कंप्रेशन निकल रहे हैं यहाँ से। ओके, ये किस लिए दिया हुआ फिर इन्होंने? ये तो बस ऐसे हल्का सा वेंट दे रखा है कि हवा हवा आती रहे। अच्छा, इसके इसकी कूलिंग पूरी सीधे यहाँ से आ रही है, अंदर से पाइप गई हुई है अंदर। ओके, जैसे इसकी 4 पाइप आती है वैसे इसकी भी पाइप गई है, यहाँ से पाइप गई है पूरी यहाँ। मेरे को पता नहीं किसी ने बोला था कि ये यहाँ से हवा खींचता है और पीछे की तरफ फेंक देता है, हो ही नहीं सकता। अब ये देखो ना, अब ये देखो, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मेरी 4 चल रही है, ये मैंने बंद कर दी सिंगल। अब ये देखो, ये 4 पे चलेगी, हाथ लगाओ। सही बात है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ से अगर आप ये 0 कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये इस ब्लोवर तो चलेगा पर एसी बंद हो जाएगा। अब आपकी हाइट कितनी है लगभग? 5.5 है। अब इसमें एक फायदा ये है, ये पूरी सीधे नीचे आ जाएगी, आगे किया
अच्छा इसमें ऐसे जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये वाला आगे नहीं निकलता इसमें, लेकिन ये पूरा नहीं नहीं ये नहीं निकलेगा। साढ़े पांच फुट की आईडी, ये बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल मैक्स की, बिल्कुल पीछे है। ये वाली भी मैं अगर इसको पीछे कर दूं, ये अच्छा इसके अंदर रिक्लाइन भी काफी अच्छा दिया हुआ है, प्रॉपर रिक्लाइन है, इंसान के पूरे बैठने में प्रॉपर रिक्लाइन है ये। तो मतलब आपकी हाइट का तो अगर पीछे दो बैठे तो आराम से बैठ सकते हैं लॉन्ग जर्नी पर। मेरा छोटा भाई है, उसकी 5-8 है, वो और मैं बिल्कुल आराम से बैठते हैं। हमारे जैसे को थोड़ी सी दिक्कत होगी, 6 फुट वालों को, तो 6 फुट वालों को हल्की दिक्कत होती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी कोई आगे मम्मी मम्मी बैठी है, इसको आगे कर लो, थोड़ा सा आगे कर लो, धक्का दो हल्का सा, लो स्पेस दो कितना। ये चीज बहुत बढ़िया लगती है, जो आगे वाली सेकंड रो की जो सीट्स होती हैं, अगर वो फिक्स्ड होती है ना, हाँ, तो बहुत दिक्कत, वो फिर दिक्कत है। ये जो मारुति की गाड़ियों में यही आता है, और किसी गाड़ी में, इवन आप हेक्टर में भी देखोगे तो भी ये नहीं है, उसमें फिक्स है। हेक्टर में भी फिक्स है, और आपकी कहते हैं ये चीज तो हर गाड़ी में देनी चाहिए 7 सीटर में, ताकि अपना स्पेस तो पीछे वाला बढ़ा सके। अब ये जिसमें कभी कभी क्या, मैं बीच में अभी जा रहा था, मेरे को टूर पे जाना था, मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया था, भाई गाड़ी चलाता, मैंने इसको डाउन किया और आराम से पैर फैला के बैठ गया और सो गया। तो ये लॉन्ग जर्नी में ये होता तो है। अब इसको आप फोल्ड करना पूरा, इस वाली को इसको फोल्ड कर दो, ये भी पूरा ऐसे आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम फोल्ड करते हैं, ये बन गया, और इसको कर लिया पीछे, तो ये तो पूरा बेड बन गया गाड़ी में, पूरा आराम से गद्दा डालो सो जाओ। ये देखो भी सो जाओगे बड़े आराम से, और बड़े प्यार से सो सकते हैं यार इसमें तो। पीछे अगर पीछे कर ली, एक कपड़ा डाला गद्दा सा, और आराम से सोते हुए जाओ इसमें। गए थे हमने, क्या किया, ये पूरा डाउन किया, पूरा सारा सामान इसमें डाल दिया। अच्छा 5 लोग बैठे थे, पूरा सामान आ गया सारे, तो बढ़िया है ये भाई, बूट स्पेस बढ़ जाता है अगर 5 जने हैं तो। 12 लाख रुपए में अगर आपको 7 सीटर विद CNG मिल जाए, तो सिर्फ वो मारुति ही दे सकता है, इसीलिए ये बेस्ट है। मारुति के लोग कहते हैं कि सेफ्टी फीचर्स नहीं है इसमें, 6 एयरबैग्स है। हाँ देखो, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी कमी कर देती है, लेकिन अब तो काफी सुधर रहे हैं। वो भी ना मारुति की छोटी गाड़ियों में ज्यादा है, आपकी 10 लाख से जो नीचे की गाड़ी है ना उसमें ज्यादा। आपके सैलरियो भी तो है, अरे वो उसकी तो बात ही मत करो, उनको सबसे बेकार लगती है। अच्छा जी, दोनों मारुति है, मतलब पहली भी मारुति है, दूसरी भी मारुति है, और मुझे ये मारुति अच्छी लगती है। चलो कोई नहीं, सबसे खराब है उसका भी आपसे ओनरशिप रिव्यू लेंगे, उसके बारे में पूछेंगे हम। फिर मैं उसमें गालियां निकालूंगा मारुति को, इसमें मैं छाई बोल रहा हूं, मैं गालियां निकालूंगा, कोई नहीं वो गाली। अब देखो भाई, कस्टमर जो रियल लाइफ में फेस कर रहा है, वो तो हमारे को पब्लिक को बताना भी चाहिए ना, एक ही कंपनी बना रही है। अब हमारे जितने भी भाई हैं, देख किस ले रहे हैं वीडियो, ताकि उनको सच्चाई पता चल सके। दोनों एक ही कंपनी बना रही है, पर वो कंपनी ने वहाँ पे इतनी कॉस्ट कटिंग कर रखी सैलरियों में कि पूछो मत। और यही उसमें हमारे घर वाले बोलते हैं ये गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी बेकार, वो तो बोलते हैं 2 साल उसको चला करके निकाल दो, पंच ले लो। बल्कि टाटा वाले तो भैया आज की डेट में अलग लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल एक तरह से इंडिया को कैप्चर करेंगे, मार्केटिंग में लगे हुए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा लगा है ना, बहुत बढ़िया लगा, आपकी तरफ से पूरी रिकमेंड है ना, फुल रिकमेंड। जैसे सच्चाई तो ये है कि आपकी तरफ से तो रिकमेंड है ही, लेकिन हिंदुस्तान को पता है कि भाई मतलब इस सेगमेंट के अंदर इससे बढ़िया गाड़ी सच में कोई है भी नहीं। 7 सीटर के अंदर इतनी बढ़िया एवरेज, लो मेंटेनेंस, 7 सीटर, CNG के अंदर सारे सूखे सूखे, बस थोड़ा बहुत फीचर्स को छोड़ दो है ना, फीचर्स जो कुछ लोग हैं जिनको गाड़ी चाहिए होती है, फीचर्स नहीं चाहिए, हाँ, उनके लिए बेस्ट। और जो बोले कि नहीं हमें फीचर चाहिए, भाई फीचर के लिए गाड़ी मत लेना। अरे भाई अगर सोचो ना, अगर आधे किस्त के पैसे अपनी CNG में चल के पेट्रोल के पैसे बचा के निकाल रही है, तो इससे बढ़िया गाड़ी और कौन हो सकती है, है ना, तो प्रैक्टिकल तो ये है ही। तो भाई यही था, थैंक यू भाई जी आपका, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपका रिव्यू लेके, बहुत बढ़िया हमें मौका दिया इसका रिव्यू देने के लिए। सैलरियों के बारे में पक्का, उसके लिए तो फिर गालियां निकलेंगी। तो भाई यही था आज का एक ओनरशिप रिव्यू भाई का, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय भोलेनाथ।